अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो भाई आज का हम नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं गांव में आ गया हूँ भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग व्लॉग गांव से स्टार्ट करेंगे भाई। तो ये है गांव भाई, शाम हो गई है। तो भाई मैं तो काफ़ी टाइम का यहाँ आया हुआ हूँ, व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने कहा था फिलहाल इन सबसे मिल लूँ, उसके बाद बनाएंगे भाई व्लॉग। तो भाई व्लॉग मैं शुरू करता हूँ भाई। तो भाई अब पहले खाएंगे खाना, शाम हो गई है और यहाँ पे गांव पे खाना खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं। तो भाई पहले खाना खाते हैं और पूछते भाई क्या बनता है आज। तो भाई शाम के टाइम ना ये लोग लेते हैं दूध। तो दूध कहाँ से लेते हो आप लोग? अपने गांव पे। अपने गांव पे एक क्या कहते हैं, दुकान है क्या? नहीं, वो बंदा लेके आता है। अच्छा, एक डब्बे पे। हाँ, एक बंदा लेके आता है मोटरसाइकिल डब्बे पे। तो वो हम दूध लेने जा रहे हैं। तो भाई मैंने कहा तो मैं भी चलता हूँ साथ में, और फिर दूध लेके आते हैं, क्योंकि खाने को बहुत टाइम है अभी, थोड़ी देर हो जाएगी। तो इसलिए कहा भाई हम लोग चलते हैं और लेके आते हैं दूध, और भाई दिखाते हैं भाई आप लोगों को कि भाई दूध कहाँ से मिलता है। हाँ दोस्तों, तो भाई हमने दूध ले लिया है भाई, दूध बहुत थोड़ा लिया है, क्योंकि अपना यहाँ पे दूध बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भाई हमने दूध ले लिया और बड़ा अंधेरा है भाई, तो पहले देखूँ से आगे कोई है तो नहीं। तो भाई चलते हैं दूध के घर। तो ये दूध भाई चाय पियेंगे इसकी, अच्छी हाँ भाई, इसकी भाई चाय बनाएंगे हम लोग। और भाई चलते हैं, पहुँचते हैं घर और फिर मिलता हूँ उसे। हाँ दोस्तों, तो भाई खाना आ गया है भाई, माशाल्लाह से भाई देसी मुर्गी और भाई रोटियां भी आ गई हैं माशाल्लाह से। और भाई दस्तरखान देखो, दस्तरखान कितना प्यारा है माशाल्लाह से। ये दिखाऊं आप लोगों को भाई पहले। तो खाना हम खाते हैं माशाल्लाह से भाई, चिकन है। और भाई हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और भाई गाँव में खाना बहुत जल्दी खाते हैं भाई, हम तो वहाँ 8-9 बजे खाते हैं, और यहाँ पर भाई खाना बहुत जल्दी मज़ा आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत टेस्टी है माशाल्लाह से। तो दोस्तों फटाफट से खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपने। तो भाई मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, गाड़ी में, और गाड़ी भाई 1000 साल पुरानी गाड़ी। आप देखोगे तो बोलोगे यार ये क्या, इतनी यूज हुई गाड़ी भाई। ये है खैबर है भाई 1990 की गाड़ी है भाई, 1990 की गाड़ी। तो हम इस पे बैठे हुए हैं, अब अल्लाह करे खैर, जो हम भाई थोड़ा घूमने के लिए निकले हैं। तो भाई सदाम भाई ने कहा है कि अपना थोड़ा भाई घुमाते हैं आप लोगों को, और ये करते हैं बच्चे भी शोर शराबा चल रहे हैं बच्चों का भी। भाई गाड़ी देखो भाई आप लोगों को, ये गाड़ी का था वो, ये है क्या कहते हैं जिसको, ये खाना खराब है गाड़ी का। गाड़ी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई है यार, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हुई है, लेकिन फिर भी भाई चल रही है, क्या कहते हैं चल रही है, है ना भाई? हाँ भाई। तो भाई ये गाड़ी आपने कहाँ से ली? कराची से आपको गाड़ी मिल गई है जी? हैं भाई, गाड़ी का हाल बिल्कुल पूरा है। और भाई इसमें सिर्फ एक चीज़ अच्छी है, कि इसकी ये जो है ना, ये हाथ रखने वाली जगह ये अच्छी है, और भाई कप रखने वाली जगह माशाल्लाह से बाकी तो सही है इसका, माशाल्लाह हाल इसका बिल्कुल पूरा है। तो भाई फिर भी भाई माशाल्लाह से चल रही है माशाल्लाह से, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो ये बजरा भाई आपने लिया है जी? ओहो माशाल्लाह। तो भाई इस गाड़ी की तो भाई ट्रीट तो भाई हमें दो ना भाई, कुछ खाना पीना कुछ तो खिलाओ ना भाई, ऐसे खड़ी होता चाय। हाँ तो भाई इस गाड़ी पर चाय ही बनती है, कुछ नहीं बनता। तो भाई चाय पियेंगे, और ये कहते हैं हम आप हमें जो दूध लेके आए हो ना भाई, उसकी आपने चाय बनानी है बिल्कुल VIP, सही है? एक बोल ना, आगे चलोगे? तो भाई थोड़ा आगे चलेंगे, और फिर इसके बाद जब ये हम नीचे उतरेंगे और फिर बाहर से आपको दिखाएंगे इस गाड़ी की लुक कैसी है भाई, बाहर से अंदर से आपको दिखा दी भाई माशाल्लाह से। और तो भाई गाड़ी इतनी पुरानी है माशाल्लाह, खैबर का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो भाई अभी ये हम इस पे बैठे भी हैं, और माशाल्लाह से भाई चल भी रही है। दोस्तों तो भाई चाय आ गई है, जो दूध देते हैं थे भाई, तो उसकी चाय भी आ गई है माशाल्लाह से। तो भाई चाय ये रही है, तो भाई चाय पीते हैं। और भाई मैं जो आया हूँ स्पेशली आया हूँ आसिफ के लिए। तो आसिफ ने कहा था भाई आओ मुझे मिलने आओ, तो भाई मैं आसिफ भाई आ गया हूँ आपके लिए, आया हूँ खासतौर आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आना भाई गांव।
तो भाई इसलिए मैं आ गया हूँ भाई आसिफ से मिलने के लिए। आसिफ कह रहा था कि आओ भाई, इतने टाइम हो गए तुम आ नहीं रहे। बस, बस। बच्ची भाई रो रही है, तो भाई इसलिए अब चाय पीते हैं फटाफट से, तो भाई फिर मिलने आपसे। The next day. तो भाई उठ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से भाई। रात को बहुत देर से सोए, गपशप की, बातें हाँ की, और भाई मालिश भी करवाई थी रात को। तो भाई अब करते हैं नाश्ता, और नाश्ता भी इन्होंने जल्दी कर दिया है, मैं उठाऊँ बहुत देर से। तो भाई मैं लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए चाय है भाई, क्योंकि मैं उठा था बहुत देर से। तो इन्होंने नाश्ता वास्ता कर लिया था, मैंने कहा मुझे सिर्फ चाय दो। और भाई कप भी सेम है भाई, हमारे घर वाला कप है भाई माशाल्लाह से, तो कप भी सेम वही है। तो शुरू करते हैं, चाय पीते हैं और फिर मिलेंगे भाई आपसे। हाँ हाँ हाँ, चाय बहुत अच्छी भाई, चाय खालिश दूध की माशाल्लाह बनी हुई है, और इतना मज़ा आ गया चाय पी के ना। तो चाय को एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। हाँ दोस्तों, तो चाय चाय पी ली अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, नाश्ता बाद में करेंगे, देर से करेंगे, आराम से करेंगे। और भाई मैं आप लोगों को चीज़ दिखाऊँ भाई, यहाँ पर ना ये लोग अपना जो सदर है सदाम जो है भाई, क्या कहते हैं, यहाँ बनाता है कुल्फियाँ। कुल्फियाँ कौन सी हैं वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ना, कुल्फियाँ जो इन्होंने बना के रखी हुई हैं, फ्रिज में रखी हुई हैं, और वो दिखाता हूँ भाई। ये यहाँ अक्सर बना के सेल करते हैं। तो भाई ये कुल्फियाँ हैं जो इन्होंने बना के ना, ये बना के ये लोग फिर सेल करते हैं। और ये कितने में करते हैं, ये जब आएगा सदाम तो भाई उससे पूछ के आप लोगों को बताऊँगा कि भाई ये कितने में सेल करते हैं ये लोग। मास्टर से बड़ी अच्छी है इसमें, वो उसने कहा दूध है, दूध है और जामिश्री और इलायची भी होती है, और चीनी भी डालते हैं, तो मिक्स करके फिर ऐसी थैली चॉपर्स बना के फिर सेल करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इंसान का अपना कारोबार होता है तो खुद करता है, मेहनत करता है। तो दोस्तों, तो भाई हाथ मुँह क्या अब नहाएंगे, क्योंकि तेल लगा हुआ है ना, तो नहा लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से भाई। तो नहाते हैं यार, टाइम भी हो गया है, और क्या कहते हैं ऑयल भी लगा हुआ है, तो भाई ये सारा ऑयल भी ख़त्म करना है, और नहाते हैं जल्दी फ्रेश होते हैं, और फिर देखते हैं कोई सीन आते हैं। और आप लोगों को गाड़ी भी दिखानी थी पूरी, तो गाड़ी दिखाते हैं आप लोगों को, कि मैं रात थी ना, रात के टाइम आपको गाड़ी नहीं दिखा सका, अंधेरा बहुत था, तो इसलिए अब चलेंगे मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ और अंदर से भी दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ। तो भाई हम लोग अलहमदा से नहा के फ्रेश व्रेश हो के, तो भाई अब हम आए हैं अपना साजिद के घर, बल्कि अपने मामे के घर भाई, मामे के घर। तो मामे ने कहा था भाई आओ और भी चाय पियो, माँ भाई चाय पिलाओगे आप? जी जी है ना। तो भाई मामा हमें चाय पिलाएंगे, और अलहमदिल्ला से साजिद भी इधर ही है भाई। साजिद भाई कैसे हो भाई? तबीयत ठीक है अलहमदिल्ला, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और भाई अपना तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। मामा सही तबीयत ठीक है आपकी? अब आते नहीं हो, चक्कर लगाते नहीं हो मेरे पास? आते हैं, अब आओ इंशाल्लाह, चक्कर शक्कर लगाओ, खाएं खाना खाओ, इंशाल्लाह। हाँ आप आओ इंशाल्लाह, फिर मिलेंगे। तो भाई चाय पीते हैं और इसके बाद फिर मिलेंगे, और गाड़ी दिखाएंगे आप लोगों को भाई। गाड़ी जो है ना इतनी पुरानी, हज़ार साल पुरानी गाड़ी, वो दिखाएंगे भाई आप लोगों को, ठीक है? तो चाय पी लें पहले भाई। दोस्तों, तो भाई फिलहाल चाय बन रही है, और भाई जो हम जिस काम के लिए आए थे वो काम कैंसिल हो गया यार। वो काम ये था कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भाई मैं और सदाम कौन सा सदाम जो आया था मेरे पास, तो जिसके साथ हमने प्रोग्राम बनाया था, तो भाई वो तो प्रोग्राम हो गया कैंसिल, क्योंकि अब आ गए हैं रोज़े भी आ गए हैं, और वो कह रहा है कि थोड़ा एक दो मुझे काम भी हैं, तो उस वजह से वो जो प्रोग्राम है कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो गया है। तो इसलिए फिर मैं यहाँ आया था, मैंने कि यहाँ से फिर जाएंगे, और फिर लेकिन हम लोग नहीं जा सके। चलो फिर हम लोग इंशाल्लाह से ईद के बाद फिर प्रोग्राम को हम करेंगे, तो जहाँ हमने कहा था कलमी कुरान हम जाएँगे, आप लोगों को दिखाएँगे, तो भाई वो तो फिलहाल कैंसिल हो गया। तो भाई अब मैं यहाँ आ गया हूँ, और माजिद भी चला गया है, शुएब भी चला गया है, और अपना साजिद भी चला गया, ये चले गए इस्लामाबाद। तो भाई मैं यहाँ आया था माजिद के पास, मैंने कहा अपना इसके पास साजिद के पास, मैंने कहा था घूमेंगे फिरेंगे, गांव को एंजॉय करेंगे, और सबसे मिलेंगे। तो काफ़ी टाइम से मैं अभी यहाँ चक्कर में लगाया नहीं था, कि मैं खुद भी बीमार हो गया था। तो अब आए हैं, चक्कर शक्कर लगाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और आप लोगों को भी घुमाएँगे, और फिर वो जो गाड़ी है वो दिखाएंगे भाई आप लोगों को, भाई गाड़ी दिखाएंगे। तो सदर भी अभी चला गया, दाम भी दूसरा सदाम जो है वो भी चला गया है फिलहाल किसी काम से, तो वो आता है ना, और फिर दिखाते भाई गाड़ी आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई चाय आ गई है, माशाल्लाह चाय आ गई है, और चाय भाई कप इतना बड़ा और चाय थोड़ी है, ये तो भाई चलता रहता है, ये हमारे घर में चलता रहता है, कोई मसला नहीं है भाई। चाय वैसे मैंने खुद कहा था कि थोड़ी चाहिए मुझे, तो भाई साजिद भाई चाय पियो और चाय, हाँ भाई जो यहाँ की जो चाय होती है ना खास तौर, अगर थोड़ी भी मिल जाए ना खालिश दूध की होती है, ये चस्का बात है, ये बड़ी चीज़ होती है ना,
तो थोड़ी चाय भी बड़ा मज़ा करवा दी यहाँ की माशाल्लाह से भाई। तो चाय पीते हैं, चाय बताते हैं कैसे आपको। आय हाय हाय हाय, कसम से चाय रियली बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी होती है माशाल्लाह से। चाय गांव की जब चाय पियो ना आप, कहाँ भी कहीं भी किसी भी गांव में, पाकिस्तान के किसी भी गांव में आप चाय पियो ना, तो वो खालिश दूध की चाय होती है। और बाकी जब शहरों में रहते हो और वो डब्बे के दूध अपना यानी कौन कौन से केमिकल के यूज़ वूज, तो उनमें इतनी वो टेस्ट नहीं होता, लेकिन जो इसमें जो टेस्ट होता ना वो मज़ा आता है। अभी चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं और फिर चलते हैं भाई। हाँ दोस्तों, तो भाई गाड़ी दिखाते हैं भाई, आप लोगों को गाड़ी दिखाते हैं भाई माशाल्लाह से। तो पहले इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि रिवर्स करें, तो और फिर दिखाएं भाई आप लोगों को भाई माशाल्लाह से भाई गाड़ी की चेक करें, कंडीशन चेक करें, कितनी खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह से। तो भाई आपको फुल इंजॉय करेंगे और फुल दिखाएंगे भाई आप लोगों को भाई, सही दिखाएंगे। हाँ मुँह नहीं कर जा, हाँ दोस्तों ये गाड़ी है भाई माशाल्लाह से, ये गाड़ी है। ये गाड़ी है भाई माशाल्लाह से, ये गाड़ी है अलहमदिल्ला से भाई। तो भाई माशाल्लाह से इसका भाई इंटीरियर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले भाई बता दूं आप लोगों को भाई गाड़ी मैंने ले ली है, गाड़ी ले ली है। तो भाई गाड़ी का मालिक भी आ गया, गाड़ी का मालिक भाई वो असल में भाई सदर भाई, इसके सदर भाई इसके असल ऑनर है। और भाई असल में वो बताएंगे आपको कि भाई गाड़ी कितनी चली हुई है और कितनी खूबसूरत गाड़ी अंदर से है। तो दिखाते हैं भाई इसका जो आगे वाला बोनट है, तो पहले इसका ये दिखाते हैं कि इसमें भाई माशा से कितनी साफ़ है। और भाई बहुत ज़्यादा साफ़ है, लेकिन काम तो है भाई इसमें, काम चलेगा भाई। तो भाई चलाने की ये काफ़ी बैटरी भी अच्छी है भाई, बैटरी तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी है यार, वो भी AGS की, वाह जी वाह ज़बरदस्त। तो भाई इस भाई गाड़ी का मुझे तो कम पता है, लेकिन जो भाई ऑनर है वो तो भाग गया, ठीक है उसको कहीं काम पड़ गया वो तो बेचारे गया। लेकिन भाई हमारे साथ हैं अज़रुद्दीन भाई से, पूछते हैं इस गाड़ी के बारे में, ये गाड़ी कितनी पुरानी है और कितनी यूज़ हो चुकी है भाई इस गाड़ी को, मतलब क्या ये चलेगी या चलेगी भी नहीं। तो भाई अज़र भाई बताओगे आप। जी सर, ये जो गाड़ी है तकरीबन ये 1998 या 1992 की तकरीबन है। अच्छा, करीब है माशाल्लाह। इस गाड़ी की जो है वो चलती भी है बहुत ज्यादा, मैंने देखी है कराची में, इस्लामाबाद में। अच्छा, माशाल्लाह बड़े बड़े जो होते हैं अमीर वगैरह, जी जी, उन लोगों के पास भी होती है ये गाड़ी। अच्छा, तो ये कम पेट्रोल वगैरह पीती है और जो इंजन है ना जी जी वो तमाम बेहतरीन है। अच्छा, क्योंकि बैटरी के हिसाब से तकरीबन खराब वगैरह नहीं होता। अच्छा नहीं होता जी जी। अच्छा सही 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 भाई माशाल्लाह से भाई इसने बताया है मुझे, मतलब गाड़ी का गाड़ियों के बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो मेन ऑनर था हमने भाई उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन वो तो भाग के किसी काम से, लेकिन इनको पता है, इन्होंने बताया भाई माशाल्लाह से हमें। तो भाई गाड़ी का ये तो दिखाओ भाई, ये क्या टूट गया इसका। तो भाई गाड़ी का ये तो हाथ में आ रहा है, ये तो अभी से हाथ में आ रहा है। तो फिर ये क्या होगा इसका, क्या सीन बनेगा इसका, चल जाएगी आगे तक। और भाई इसके चलते हैं कराची, वो भी आई है, ये कराची से आई है भाई, कराची से। और भाई ये किसका बेटा, ये इसके बेटे हो आप, आपके हैं अहमद अली के बेटे हो। तो भाई ये गाड़ी है, और गाड़ी का भाई ये है भाई, इसकी सुइयां काम करती हैं पता नहीं करती, इसका हॉर्न काम करता है, हाँ हॉर्न भी काम करता है भाई माशाल्लाह से। तो भाई गाड़ी तो सही है, अच्छी है माशाल्लाह से भाई, गाड़ी तो सही है। तो भाई हम सोच रहे हैं कि ये हम गाड़ी ले लें भाई, हम गाड़ी लेते हैं ये। और भाई स्पीकर भी रखे हुए हैं, और इसमें CNG सिस्टम भी है, ये तो ये खुल नहीं रहा, लेकिन इसमें चाबी से खुलता है, चाबी पर चाबी लेके आओ, तो चाबी लेके आओ भाई। और फिर दिखाते हैं भाई आपको ये गाड़ी का जो स्पीकर लगा हुआ है माशाल्लाह से, स्पीकर तो बहुत अच्छा लगा हुआ है। और ये भाई साथ साथ ये इसमें CNG भी है। तो भाई इसी को भाई खोल रहे हैं, दूसरी चाबी है, दूसरी चाबी है ये लगेगी, हाँ ये लगेगी। तो भाई ये है, ये हाल फिलहाल जो है ना पेट्रोल पर है। अच्छा, ये हाल फिलहाल पेट्रोल पर है। अच्छा, जो अभी हम जो इसको करवाएंगे LPG पर। अच्छा, LPG पर होगे, पर भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। अच्छा, ये मसला होता। अच्छा, पेट्रोल ये ज्यादा पी रही है इस वजह से। अच्छा, तो भाई फिलहाल तो आपने सुन लिया होगा, ये इसको पेट्रोल पे चलाया हुआ है, लेकिन ये CNG पे इसको करेंगे LPG पे। और भाई स्पीकर भी देखे भाई, स्पीकर देखे हैं स्पीकर, वाह भाई वाह जबरदस्त।
तो भाई माशाल्लाह से भाई मज़ा आ गया इस गाड़ी को भाई देख के माशाल्लाह से। तो भाई ये गाड़ी हमारी हुई, ये गाड़ी हमारी हो गई भाई, ये गाड़ी हमारी हो गई अलहमदा से। तो भाई इसका ऑनर आएगा तो मुझे सही मुझे मारेगा, तो मैं इसकी गाड़ी निकाल के भाई आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो भाई माशाल्लाह से भाई ज़बरदस्त मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो भाई मैंने भाई को बोला है कि आप वापस गाड़ी जिसकी है उसकी वहीं खड़ी कर दो, ये ना हो कि भाई बंद हो गई। तो भाई ये तो बंद हो गई, देखें भाई बंद हो गई है, ये तो यहीं पे ये अपना काम दिखा रही है। ये कराची से यहाँ कैसे आई है, मैं तो ये सोचने बैठ गया हूँ कि ये कराची से यहाँ कैसे आई है। अब अल्लाह करे स्टार्ट हो जाए। हाँ हो गई स्टार्ट भाई, हो गई है भाई। ये खुद लो भाई, ये खुद बंद हो गई, यहाँ पहुँचे हैं कराची से और पेट्रोल भाई ख़त्म हो गया। ऐसे नहीं करो यार, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, इसको थोड़ा धक्का, इसको थोड़ा धक्का दे के इसको आगे अंदर तक कर देते हैं, फिर ऑनर आएगा, फिर वो खुद देने का काम जाने, तो धक्का भी देते हैं, धक्का धक्का देते हैं। तो भाई धक्का दे के हमने इसको अंदर खड़ा कर दिया है। अब मैं फिर भी मैं सोच में गुम हूँ कि ये कराची से यहाँ कैसे आई है। तो बहरहाल ये भाई टाजन है, ये भाई हमारे गांव की न्यू टाजन है। तो भाई माशाल्लाह से भाई, तो भाई अब हम चल रहे हैं घर, प्रोग्राम तो हमारा हो गया कैंसिल। तो भाई गाड़ी आप हमने देख ली माशाल्लाह से, कितनी अच्छी गाड़ी थी। तो भाई अब चलते हैं भाई घर, और भाई बहुत थक गए हैं, तो साजिद भाई मुझे छोड़ेंगे, अपना दरवाज़ा छोड़ेंगे वहाँ पे, वहाँ से मैं लूँगा बाइक, टैक्सी लूँगा, मतलब किराया वाली रेंट वाली लूँगा, और सीधा फिर चलेंगे मीरपुर, वहाँ से सीधा घर चलेंगे। एक्सप्रेस जो लोकल होते हैं उस पर हम फिर हम घर चलेंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।